देश की एकता और अखंडता का संकल्प लेकर हाथों में तिरंगा थामे सैकड़ों लोग नर्मदा की उफनाती लहरों में उतर गए और जुलहरी घाट से तिलवारा घाट तक 11 किलोमीटर की यात्रा की। हर साल की तरह इस बार भी स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले नित्य तैराकी मंडल द्वारा नर्मदा में तिरंगा यात्रा निकालने का आयोजन किया गया, जिसमें तैराकों के साथ शहर के आम नागरिक भी शामिल हुए। इस अनोखी तिरंगा यात्रा का मकसद देश की एकता और अखंडता को स्थापित करने का संदेश देना था। बीते 15 वर्षों से हर साल नर्मदा में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें 5 साल से 75 साल तक के नागरिक शामिल होते हैं। इस बार खास बात ये रही कि इस यात्रा में 2.5 साल की बच्ची भी नर्मदा तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। करीब 100 से 150 व्यक्ति यहाँ से जलहरी घाट से तलवारा घाट के लिए लेकर जाते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि भारत देश की अखंडता बनी रहे और किसी भी प्रकार की उसमें घुसपैठ ना हो। हमारे यादव बंधु संजय भाई और विवेक भाई के अथक प्रयासों से ये यात्रा अनवरत जारी है। इन्होंने एक अखंड भारत की एक अलग हम लोग के मन में जगाई है, जो हम लोग बहुत भूल चुके थे कि हमारा हिंदुस्तान कितना बड़ा था, कित सरहदों तक था। ये अखंड भारत यात्रा यही संदेश दे रही है कि हमें पुनः वो पूरा भारत चाहिए और अखंड भारत चाहिए। बोलो भारत माता की जय। तिरंगा यात्रा में शामिल तैराकों ने कहा कि आज के ही दिन भारत को खंडित कर पाकिस्तान बनाया गया था, जबकि सांस्कृतिक दृष्टि से दोनों देश एक ही हैं। इस यात्रा का उद्देश्य भारत की एकता को बनाए रखना और अखंडता को पुनः स्थापित करना है। इतनी शक्तिशाली नदी मां नर्मदा के बीच अपना प्यारा तिरंगा झंडा लहराते हुए जब सब नागरिक बूढ़े बड़े बच्चे छोटे महिलाएं सब 10 किलोमीटर तक इस नदी में जोखिम उठाकर जब जाते हैं, तो इससे एक बहुत ठोस संदेश पहुंचता है बाकी देशवासियों को कि हमारा देश एक है, हम सब मिलजुल कर इस देश की उन्नति और इसकी प्रगति के लिए और इसकी एकता के लिए, अखंडता के लिए हम लोग जुटे रहें।